नमस्कार विद्यार्थियों, आज का विषय है बौद्ध धर्म। इससे पहले वाली वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत और शिक्षाएं उनके धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में मिलते हैं। त्रिपिटक सम्मिलित रूप से विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक को कहते हैं। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार विचार के नियम दिए गए हैं। सुत पिटक में बुद्ध की धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं हैं और अभिधम पिटक में उन शिक्षाओं में निहित जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की आधारशिला उसके चार आर्य सत्य में निहित है। ये चार आर्य सत्य हैं दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला है। महात्मा बुद्ध ने के अनुसार संसार में सब जगह दुख हैं और इन दुखों के पीछे का जो कारण है, जो दुख समुदाय है, वह तृष्णा है। यदि हम तृष्णा को समाप्त कर दें तो दुख निरोध भी संभव है, दुखों से छुटकारा संभव है और तभी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक का अर्थ है जिसमें आठ मार्ग दिए गए हैं जिनके माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है। और इन मार्गों को ही, इन आठ मार्गों को ही दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। ये आठ मार्ग हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टि, जिसमें बुद्ध वचनों में विश्वास और आर्य सत्यों का ज्ञान है। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी कि सही विचार। यानी कि आर्य मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय, अष्टांगिक मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय। तीसरा है सम्यक वाणी, यानी कि सत्य वाणी। चौथा है सम्यक कर्मांत, जिसका अर्थ है सत्कर्मों से है। पांचवा है सम्यक आजीव, यानी कि जीविका के लिए ऐसे साधनों का उपयोग जो सदाचार पूर्ण हो, यानी कि उचित न्याय उचित जीविकोपार्जन। छठा है सम्यक व्यायाम, इसका अर्थ है उचित प्रयास। सातवां है सम्यक स्मृति, जिसका अर्थ है मस्तिष्क का समुचित प्रयोग। और आठवां है सम्यक समाधि, और जिसका अर्थ है समुचित ध्यान।
बौद्ध धर्म के इन आर्य अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद यानी मध्यम मार्ग भी कहा गया है, जो कि दो अतियों के बीच का मार्ग है, जिसमें अत्यधिक शारीरिक कष्ट और अत्यधिक शारीरिक सुख इन दोनों ही स्थितियों का निषेध है। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, और निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और यह निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। प्रत्यय समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक आधारभूत सिद्धांत है। प्रत्यय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है, प्रत्यय से तात्पर्य इसके होने से है, और समुत्पाद से तात्पर्य यह उत्पन्न होता है। प्रत्यय समुत्पाद के अनुसार संसार के हर वस्तु या घटना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होती है, और किसी कारण के बिना अकस्मात या यूं ही कोई घटना नहीं हो सकती, और हर कार्य का एक अनिवार्य एक कारण होता है, और पूरा जो संसार है इस कार्य कारण श्रृंखला से बंधा है, और यही नियम स्वयं परिचालित होता रहता है। और इसी आधार पर महात्मा बुद्ध ने संसार के दुखों के जो कारण है उन कारणों की व्याख्या की, और इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुख के मूल कारण अविद्या के नष्ट हो जाने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो कार्य अर्थात दुख है वह भी नष्ट हो जाएगा। प्रतीत समुत्पाद के 12 क्रम हैं, और जिसे द्वादश निदान कहा जाता है। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में भी विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी भी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। धन्यवाद।